गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोग कैसे कैसे करके रामेश्वरम पहुँचे थे एंड वी वर थिंकिंग कि आज बारिश बंद होगी और कुछ देख पाएंगे, धनुषकोडी जा पाएंगे और सब कुछ देख पाएंगे। तो बट वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं हम लोग अभी, ये अभी ऑलमोस्ट 10 दिन तक बारिश है यहाँ पे भी, पांडिचेरी में भी। तो आगे का जो हमारा प्लान है तो मोस्टली सब फ्लॉप है क्योंकि इतनी ज़ोरदार बारिश है। तो धनुषकोडी भी जाके कुछ मज़ा नहीं आने वाला, सब क्लाउडी क्लाउडी दिखने वाला है। तो आई थिंक लेट्स वेट, आज का दिन पूरा बाकी है। अभी जस्ट उठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग। कॉफ़ी पीने के बाद सोचते क्या करेंगे। गाइज हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। पीछे जीवन रेसिडेंसी करके होटल है, हम लोग यहाँ पे रुके हैं। ओके ओके होटल है। मैनेजर को पैसे पहले लेने के ऊपर ज़्यादा कंसर्न था, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था। हम लोग इतने गीले होके कल आए थे तो ठीक है, चलता है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है। एंड ये देखो, सो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे का देखते क्या हो सकता है बारिश, क्योंकि बहुत पूरे काले काले बादल है यार। लगा था बारिश नहीं होने वाली है, सो नाउ वी आर ऑल सेट रेडी फॉर रामेश्वरम टेम्पल। इट इज बहुत अच्छी स्टोरी है जो मम्मी ने हमको बचपन में बताया था अबाउट रामेश्वरम। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ का जो टेम्पल है वो अमंगस्ट 12 ज्योतिर्लिंगाज है, मतलब ये 11th लिंगा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज लिंगाज ऑफ होप। तो यहाँ पर आने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ है। आई मीन कल रात को भी बहुत धुत 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 बारिश हो रही थी। यहाँ पर पहुँचने के टाइम पे हम लोग ने 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट बारिश में चलाया है और क्रॉस विंड्स इतनी थी कि हमारी बाइक इधर से उधर तक स्विंग हो रही है। लेफ्ट लेन से हम लोग सीधा राइट लेन पर पुश हो रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल से इन शॉर्ट यहाँ पर पहुँचे। और मम्मी हमेशा बोलती है कि यहाँ का दर्शन लेना इतनी आसान बात नहीं है। तो जो भी है, अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं और हम लोग अभी मंदिर का दर्शन करने जाने वाले हैं। बहुत सारा प्रे करना है भगवान को कि हम लोग को बहुत सेफली घर पहुँचा दे। और भी बहुत अभी ट्रिप बाकी है 5-6 दिन की, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। और बारिश में चलाने की दिक्कत यही होती है कि विजिबिलिटी इश्यूज़ होती है, आप लोग का बाइक कभी भी स्किड हो सकता है। लेकिन हम लोग को कल बहुत अच्छे से सेफली हम लोग पहुँच गए होटल में। एंड यस, वेरी हैप्पी। यस, नाउ लेट्स गो। अभी हम लोग ने ऑटो बुलाया क्योंकि बारिश वापस चालू हो गई है। और जब तक ये चल रहा था तब तक ये देखिए, जैसे ही साहब हमारे, मैं सुस्ती कर रहा हूँ, सुस्ती मार रहा हूँ। बारिश कंटाला आ गया अभी, ऐसा लग रहा है कि कभी कभार तो हम लोग निकलते हैं और उसमें भी ये सब बोते रहते ना, इरिटेट हो गए। हम लोग वेदर रिपोर्ट भी देखे थे बट ये सडन बारिश चालू हो गई है। लेकिन लाइफ में वही बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पता नहीं, आई थिंक टुडे वी वोक अप इन द मॉर्निंग, जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। बजाओ ताली, जम्मू रे, चले चलो। सो विल बी टेकिंग दिस ऑटो टू रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम आवर होटल। क्या बोल रहा है वो? पता नहीं, वो अपना फोन पे ही बात कर रहा है। पीपल, it's very hard to communicate here. Hello guys. Hello. वैस रामेश्वरम मंदिर का हम लोग का दर्शन हो गया है। मैं ये हाइपर लैप्स ले रहा था, आप लोग ने देखा रहेगा। किरण वहाँ पे रुकी है मेरे लिए, सो वी आर गोइंग बैक। बट आप लोग को एक बार ये मंदिर के अंदर आके देखना पड़ेगा आपको यार। स्कल्पचर जो है, पिलर्स जो है, ब्लैक कलर के पिलर्स है, या फिर जो भी एलिफेंट के जो फेसेस बनाए हैं, जो हनुमान जी या फिर जो भी वानर सेना का जो भी बनाया हुआ है, ओवरऑल फेसेस एंड कलर्स बहुत ज़्यादा वो खुल के आता है। और अंदर शिव जी एकदम लाइव फीलिंग आती है, जो दिए का वो मतलब मैं बता के आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको एक बार डेफिनेटली आना पड़ेगा, सो मज़ा आ गया एकदम। तो गाइस ये देखो, अभी शूज़ जो है पूरे गीले हो चुके हैं, तो इसके लिए ये जो डस्टबिन बैग्स होती है वो अभी मैं ऐसे पैर में डालूंगा इसको, और फिर ये ऐसे किया है
ये देखो और भी काम चल रहा है। ये सब चीज़ें सब लोग को सिर्फ प्राइड में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, बट यानी कि वाटरप्रूफ शूज़ है जो हम लोग को स्टार्टिंग से ही काफ़ी धोखा दे चुके हैं। वाटरप्रूफिंग इनका इतना कुछ खास नहीं है, दैट्स द रीज़न वी हैव स्टॉप कीपिंग दीज एट आर स्टोर। तो इस बार हम लोग राइड के डार्क सीक्रेट्स बताएंगे सब लोग को। अच्छी अच्छी चीज़ें हर लोग दिखाते हैं, हम भी हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं। हम लोग जो सफ़र करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आप लोगों तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि एवरीवन हु स्टार्ट्स सीइंग अ वीडियो वो लोग हमेशा पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन के लिए आते हैं एक किसी के भी वीडियो पर। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो अस द स्ट्रगल ऑफ आर राइडिंग थिंग, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत मजा करते हैं, बहुत मज़ा आता है राइडिंग करना, आपकी बेस्ट लाइफ है ये। वी डू हैव अ बेस्टेस्ट लाइफ इन दिस, ऐसा सोचना चाहिए हमेशा कि हमारी लाइफ बेस्ट है पूरे यूनिवर्स में। पर क्या क्या प्रॉब्लम एक राइडर को होता है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आप ऐसे ही उठकर सिर्फ राइड कर लो नहीं, दिमाग मेंटली फिजिकली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है अगर आपको बाइकर होना है तो। सो यस, पैकिंग पैकिंग पहन तो। हेलो 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 हेलो, तो तू वॉल्यूम कम करके रखी थी क्या? हाँ आ रही है, आ रही है, अच्छे से आ रही है। चलो सो गाइस वी आर ऑल सेट। बारिश अभी रुकी है, सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश होके गई है। सो अभी जो ऑडियो आएगा वो अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज माइक नहीं लगाया है, वाटरप्रूफ केसिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं हम लोग अभी। तो लेट्स गो। अभी दोपहर के कुछ 2:11 हो गए। हाँ सो हम लोग ने ये जो इंटरकॉम को ना, देखो पता नहीं दिख रहा होगा नहीं होगा, प्लास्टिक पूरा लगा दिया है। दीज आर वाटर रेजिस्टेंट नॉट वाटर प्रूफ, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इंटरकॉम्स। तो गाइस ये बोल रही चलो धनुषकोड़ी, चलो धनुषकोड़ी, और वेदर बहुत ख़राब है उधर जाके अगर कुछ देखने नहीं मिला तो पूरा टाइम वेस्ट होगा। सुबह तो ज़्यादा एकदम रुद्र रूप था, अभी थोड़ा शांत हो गया सी, बट कई 2-2:15 हो गए रहे, अच्छे से नहीं देख पाएंगे। फिर उधर जाएंगे ना तो 4 बजे का इधर ही, मैं एंजॉय नहीं कर पाएगा अभी ऐसे हालत में सब। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल बारिश होके गई है, हम लोग एकदम घमासान बारिश में इधर पहुँचे थे, और अभी भी हम लोग को मन तो बहुत कर रहा है धनुषकोड़ी जाए, बट नहीं जा सकते क्योंकि अगर गए तो हमारी लग जाएंगी, क्योंकि बारिश अभी वापस चालू हो चुकी है। कि हम लोग अभी वापस रिटर्न टारगेट कर रहे हैं, वेदर रिपोर्ट देखा है तो यहाँ से मदुरई तक भी बारिश है, मदुरई से फिर सेलम तक भी बारिश है, उसके आगे थोड़ा सा बारिश थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो वी आर टारगेटिंग बैंगलोर, सो लेट्स सी वेदर कितना सपोर्ट करता है हम लोग को। ऑलरेडी है ना ये बारिश और इस वेटेशन की वजह से ना ऑलरेडी मेंटली और फिजिकली थोड़ा बॉडी एक चालू हो गया है, वो बेसिकली मूड ख़राब हो जाता है ना तो सब चीज़ें दुखनी चालू हो जाती है। आगे एक घंटे में हम लोग ने 76 किलोमीटर कर चुके हैं। ये इंटरकॉम होता है ना आपके पास तो आपको दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, कोई टेंशन ही नहीं लेने का, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आने दो, बहुत सही लगता है। मैंने इसका जो है टेल बैग थोड़ा ढीला हो गया था इसके जैसा। हाँ अंध को मसाज, अंध को मसाज इधर दबा दो। तेरा वैलिडिटी खत्म हो गया है। हाँ तो गाइस मैं पीछे बोल रहा था कि अभी इतना टॉर्चर सह चुके हैं, अभी ऐसा लग रहा है कोई भी आ जाए हम लोग
हाँ, और हम लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर इंटरकॉम नहीं होता है तो दिमाग का माँ बहन नहीं पूरा गांव हो जाता है। तो इफ़ यू लाइक, मतलब आप लोग कोई रेगुलर पार्टनर के साथ राइड करते हो तो अच्छा इंटरकॉम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम हो गया 3:30। उतर तो सकते हैं, हाँ सर, 150 किलोमीटर चले हम लोग ने। 4:30 हो चुका है, 2 घंटे में 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप किया हम लोग ने। पूरी तरीके से लगी पड़ी है, ठंडी लग रही है, पैर में पूरा पानी है, बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और हम लोग के लूट हो चुके हैं बड़े वाले। चलो अभी कुछ चाय पानी करते हैं फिर निकलेंगे। कई का अपना रवा केक खाएगी तू ना? इतना? Yes, 4:30 बजे हम लोग कॉफ़ी के लिए रुके थे और अभी 6:30 हो गए एंड वी आर स्टिल स्टक इनसाइड मदुरई। दिस इज ड्यू टू बैड रेन्स एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स हैं सब तमिल में है, एक भी इंग्लिश में नहीं है। एंड बारिश हो रही थी तो मैप भी नहीं डाल पाए थे, और अभी थोड़ी बारिश कम है तो मैंने मैप लगाया हुआ है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा है। रुक टाटा सुमो रुक। उसका हाथ देखो, हाथ दिखा, हाथ दिखा, बिल्कुल गए। सो अभी अपन बैंगलोर कैंसिल कर रहे, सेलम रुक रहे, ठीक है? इट्स टू रिस्की, 400 है बैंगलोर के लिए।